अखिलेश यादव ने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तब रवि किशन को यश भारती पुरस्कार मिला था और 50,000 रुपए बतौर पेंशन हर महीने उन्हें मिलते थे, लेकिन उन्हें इस तरह का कोई सम्मान कभी नहीं दिया गया। आपको बता दें कि सदन में अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों को यश भारती सम्मान देती थी और पेंशन के तौर पर 50,000 रुपए मासिक की राशि भी दी जाती थी और इसमें उन्होंने रवि किशन का नाम भी लिया था। उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों को एक सम्मान राशि दिया करते थे सरकार से, इसी तरह पद्मश्री प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य यहां पर चुन करके आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कला के क्षेत्र में, उन्हें भी सम्मान राशि मिलती थी। कौन है? कौन? माननीय सांसद रवि किशन जी हैं। अखिलेश जी ने हमारा नाम लिया कि मुझे 50,000 रुपए की धन राशि मिलती थी, यश भारती एक सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार से मिलता था जब इनकी सरकार थी, लेकिन मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि मुझे ऐसा कोई सम्मान आपकी सरकार ने या मायावती जी की सरकार ने नहीं दिया, और मैं उस उत्तर प्रदेश को और पूरा देश जानता है कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं और मुझे सम्मान मिलना था तो मुझे ये सम्मान वहां से यश भारती नहीं कभी दिया गया, ना मुझे कोई 50,000 की राशि मिली वहां से। कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप के चचा बनने की क्या है वजह और पाक